अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आया हूँ, एक ऐसा ट्रिक लेके आया हूँ जिससे लगाने से आपको थंबनेल इतना कमाल का बनेगा कि क्या ही बात है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि थंबनेल को कौन से ऐप से तैयार किया जाता है और इसमें कैसे इसकी तैयारी करके बनाते हैं। तो सभी यूट्यूबर्स को पता है कि वो कौन सा थंबनेल बनाने के लिए कौन सा ऐप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ न्यू यूट्यूबर्स हैं जिन्हें इस बात का नहीं पता। तो आज मैं आपको ऐप भी बता रहा हूँ कि किस ऐप से इसके ऊपर तस्वीर लगाई जाती है, इसके ऊपर कैसे उर्दू में लिखाई की जाती है। तो बिना वीडियो को स्किप किए मेरी सारी वीडियो देखिए। तो चलते हैं अपने इस ट्रिक की तरफ। सबसे पहले अपने करना यूँ है कि अपने मोबाइल की स्क्रीन से प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपने लिखना है पिक्सल लैब, PIX लिखेंगे तो ये खुद ब खुद ही आ जाएगा। इस पर क्लिक करें, उसके बाद ये ऐप आ जाएगा, इसे इंस्टॉल कर लें। मेरे पास ये पहले से मौजूद है, मैं इसे अपडेट नहीं करूँगा, बैक जाके इसे ओपन करूँगा। पिक्सल ऐप ओपन कर लें, उसके बाद इस तरह का कुछ मेन्यू आपके सामने खुल जाएगा। सबसे पहले आपने करना यूँ है, 3 डॉट पे जाना है। यहाँ पे ये काफ़ी से मेन्यू आपके पास शो हो रहे हैं, आपने इमेज साइज़ पे जाना है, उसके बाद कस्टम पे जाना है, उसके बाद आपने थंबनेल यूट्यूब थंबनेल पे क्लिक करना है। ये साइज़ उन्होंने ऑटोमेटिकली बना के रखा होता है, आप यूट्यूब थंबनेल पे करेंगे तो ये साइज़ आपके सामने शो होगा। इसे ओके कर दें, उसके बाद ये जो न्यू टेक्स्ट आ रहा है इसे आप डिलीट कर दें, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। अब हम जमा के निशान पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम इसको सबसे पहले हम इसे कलर देंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे कलर पे, फिर जो आपको कलर पसंद है आप वो कलर लगा सकते हैं। मुझे ब्लैक पसंद है, मैं ब्लैक लगाऊंगा। उसके बाद फिर से जमा पे निशान के क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम शेप देंगे। शेप देने के बाद इसको हम जितनी हमें शेप चाहिए उसी शक्ल की इसको ड्रैग करेंगे, उसके बाद इसको तैयार करने के बाद ओके कर देंगे। फिर हमें इस शेप को भी कलर देना पड़ेगा, इसे अनेबल कर देंगे। इसके ऊपर जो आपको कलर अच्छा लगता है, कलर ऐसा होना चाहिए कि जिस पे लिखाई की हुई दूर से ही वाज़े नज़र आनी चाहिए। मैं इस पे येलो कलर कर रहा हूँ। अब टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो आपने लिखना है अपने वीडियो के मुताबिक वो आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिखूँगा कि न्यू यूट्यूबर्स के लिए नई खबर, तो मैं इसके ऊपर ये लिख रहा हूँ। बाकी आपको जो पसंद है, आप जो लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। न्यू यूट्यूबर्स के लिए अच्छी खबर, मैं इतना ही टाइटल दूंगा आपको समझाने के लिए। अब इसे हम ड्रैग करके इसका साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं, यहाँ पे नीचे से ऑप्शन भी आता है, ये देखें साइज़ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इसे हम ड्रैग करके बड़ा छोटा कर सकते हैं, जितना अपनी थंबनेल के मुताबिक लिखाई करना चाहें आप उतना इसे बड़ा करके ओके कर दें। अब हम इस टेक्स्ट को भी कलर देंगे, उसके ऊपर क्लिक करेंगे, कलर आपका ऐसा वाज़े नज़र आना चाहिए दूर से, मैं इसके ऊपर ब्लैक कलर दूँगा। देख लें ये येलो के ऊपर अच्छे से नज़र आ रहा है, उसके बाद इसे हम ओके कर देंगे। अब हमने इसके ऊपर तस्वीर ऐड करनी है, तो यहाँ पे देखें फ्रॉम गैलरी लिखा हुआ है, फ्रॉम गैलरी पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमारी जो गैलरी है वो सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ से आपने जो भी तस्वीर आपने सेलेक्ट करनी है, जो आपने थंबनेल बनाना है उसे हम सेलेक्ट करेंगे और इसे वहाँ पर ले आएँगे। ये देखें अब मैं एक तस्वीर आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ, कोई भी आप सेलेक्ट कर लें। मैं गैलरी में आऊँगा, यहाँ पे देखें तस्वीरें सामने शो हो रही हैं। फोल्डर में आऊँगा, जहाँ आपकी तस्वीर आपने रखी हुई है तैयार आपने वहाँ से ही लेनी है। और मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर में तस्वीर रखी है, इसी को ढूँढ रहा हूँ। ये मिल गई मुझे तस्वीर, इस तस्वीर पे क्लिक करेंगे, इसको हम क्रॉप करके छोटा बड़ा कर सकते हैं, ओके कर देंगे, ये सामने शो होना शुरू हो जाएगा। आपने इसको जहाँ पे एडजस्ट करना है वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं।
छोटा बड़ा साइज़ कर सकते हैं। यहाँ से हम ये देखें, यहाँ से ऐसे ही हम इसको एडजस्ट करेंगे। क्रॉप करना हो तो वो भी हो जाता है। अगर आपने फुल इमेज लगाने थे वो भी लगा सकते हैं। अभी ये देखें, इसे हम छोटा करके लगाएंगे। अगर आपने कुछ और टेक्स्ट लिखना है तो आप टेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं, शेप बना सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि इसके ऊपर आप कलर दे दें, उसके बाद आप टेक्स्ट लिखें, टेक्स्ट के ऊपर भी इसको कलर दे दें। जैसे मैंने जो वो पहले वीडियो तैयार किया वैसे ही ये दोबारा फिर से वैसे ही क्लिक करके आप टेक्स्ट देंगे, शेप देंगे पहले, उसके ऊपर टेक्स्ट लिखेंगे, फिर दोनों को कलर देंगे। यहाँ पे भी मैं एक छोटा सा टाइटल लिख रहा हूँ। अभी क्लिक करेंगे, मैं ये लिखूँगा, इसे ओके कर दूँगा। और ये भी देखें सामने आ गया, ये वाइट ठीक से नज़र नहीं आ रहा, इसे मैं कलर दूँगा जो कि रेड के ऊपर वाज़े तौर पर नज़र आए। कलर में जाएँगे, पहले थोड़ा सा साइज़ का बड़ा करेंगे ताकि कलर देने के बाद ये जल्दी वाज़े नज़र आना शुरू हो जाए। ओके कर देंगे। अब कलर पे क्लिक करेंगे, अब इसे ब्लैक कलर दूंगा मैं। ये देखें, अब जो देना चाहें कलर वो दे सकते हैं। ये मैं इसे येलो कलर दे दूँ। उसके बाद आप ऊपर क्लिक करेंगे सेव पे, सेव फ्रॉम गैलरी। ये देखें, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी जो इमेज है वो गैलरी में क्लिक होकर सेव हो जाएगी, बिल्कुल रेडी हो जाएगी आपके। ये थी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। आप ऐसे ही अच्छे से अच्छा थंबनेल तैयार करके अपनी वीडियो की एक्यूरेसी अच्छी करनी चाहें तो आप कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। तो आपको समझ आ गई होगी कि कौन सा ऐप इस्तेमाल करके आप कैसे इस वीडियो को थंबनेल तैयार कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को फॉलो और शेयर करें।